पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के पार्थिव शरीर को दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके आवास पर रखा गया है। शरद यादव के दामाद राजकमल राव ने बताया कि उन्हें कार्डिक अरेस्ट हुआ था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि शरद यादव को किडनी की समस्या थी और वो डायलिसिस पर थे। उनके पार्थिव शरीर को मध्य प्रदेश में उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शरद यादव के निधन के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके दिल्ली स्थित निवास पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने उनके परिवार को ढांढस बंधाया। राहुल गांधी ने शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव को भी गले लगा कर शांत बना दी है। तो उन्होंने 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन के लीडर थे, तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी मतलब राजनीतिक लड़ाई हुई थी, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का, मोहब्बत, रिस्पेक्ट का रिश्ता था। और जो वो उन्होंने मुझे 2-3 घंटे में बताया, वो एक रिश्ते की शुरुआत थी और मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं राजनीति के बारे में। और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में तो काफी दुख हो रहा है। मगर मैं सोच रहा था, अभी बैठा था, मैं सोच रहा था कि शरद यादव जी नहीं रहे, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं खोई। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है। गुरुवार देर रात 10:19 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं उनकी मौत की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। अलग अलग दलों के नेताओं ने उन्हें याद कर शोक जताया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।